नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुधर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ छवि फगनास। आईसीएमआर का कहना है देश में कोरोना वैक्सीन की नहीं है कमी, दिसंबर तक सबको लग जाएगा टीका। डॉक्टर पाल का कहना है कि अगर कोरोना वायरस ने बदला स्वरूप तो बच्चों के लिए बन सकता है बड़ी परेशानी। WHO ने कोरोना के सिर्फ एक वेरियंट को बताया चिंता का कारण। तो शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने मंगलवार को कहा कि देश में COVID-19 वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने ये भरोसा भी जताया कि दिसंबर 2021 तक भारत की पूरी आबादी का टीकाकरण दिसंबर तक कर दिया जाएगा। जी हाँ, COVID-19 और टीकाकरण से संबंधित प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए डॉक्टर भार्गव ने जोर देकर कहा कि COVID-19 का पॉजिटिविटी रेट एक सप्ताह के लिए 5% से कम होना चाहिए और जिलों में लॉकडाउन जैसे प्रतिबंध हटाने के लिए संक्रमण की संभावना वाली 70% से अधिक आबादी का टीकाकरण किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि हमें धैर्य रखने की काफी जरूरत है। हमने तकरीबन संयुक्त राज्य अमेरिका के बराबर वैक्सीनेशन की खुराक लगाई है, टीकों की कोई कमी नहीं है। जुलाई के मध्य या अगस्त तक हमारे पास प्रतिदिन 1 करोड़ लोगों का टीकाकरण करने के लिए पर्याप्त खुराक होगी। हमें विश्वास है कि दिसंबर तक पूरी आबादी का टीकाकरण हो जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमें एक ऐसा तंत्र खोजना होगा जहां हमें कंटेनमेंट या लॉकडाउन की ढील देनी होगी और इस प्रक्रिया को काफी धीरे धीरे करना होगा। प्रतिबंधों को हटाना 3 स्तंभों के इर्द गिर्द घूमता है। पहला, जिले में औसतन 7 दिनों के लिए सकारात्मकता दर 5% से कम होनी चाहिए। दूसरा, जिन कमजोर व्यक्तियों की आयु 60 वर्ष से अधिक है और पहले से बीमारियों वाले 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का 70% तक टीकाकरण किया जाना चाहिए और सामुदायिक रूप से सभी को कोविड की गाइडलाइन का पालन करना चाहिए। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि 130 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले देश में टीकाकरण की प्रक्रिया कब तक पूरी होगी, क्योंकि अभी तक देश की आधी से भी कम आबादी का टीकाकरण नहीं हुआ है। वहीं अब बात करते हैं कोरोना वायरस के बच्चों पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा कोरोना अपडेट को लेकर आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पाल ने मंगलवार को ये बताया कि बच्चों को लेकर इस महामारी पर उनका ध्यान जा रहा है, लेकिन उन्होंने ये चेतावनी भी दी है कि अगर ये वायरस अपना रूप बदलता है तो ये बच्चों को प्रभावित कर सकता है, मतलब हालात बदतर हो सकते हैं। हालांकि बच्चों को हल्का COVID-19 हो सकता है, लेकिन फिर भी अगर 2 या 3% बच्चों को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत होती है तो हमें उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। बच्चों में कोरोना वायरस संक्रमण की जानकारी कैसे होती है, इस बारे में भी उन्होंने बताते हुए कहा कि बच्चों में COVID-19 दो तरह में पाया जा रहा है। पहला, उनमें निमोनिया के जैसे कुछ लक्षण पाए जा रहे हैं। दूसरे में, जो बच्चे हाल ही में COVID-19 से उभरे हैं उनमें मल्टी इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम के कुछ मामले पाए गए हैं। इसके अलावा डॉक्टर रविशंकर ने जानकारी देते हुए बताया कि हो सकता है कि बच्चों को 1 माह पहले सर्दी जुकाम हुआ हो या फिर उसे घर में या बाहर कोरोना संक्रमण हुआ हो। दोनों ही मामलों में जब बुखार और चक्तों के साथ पल्स और ब्लड प्रेशर जैसी तेजी से गिरने लगे तो बच्चे को तुरंत अपने नजदीकी अस्पताल ले जाना चाहिए। लेकिन कोरोना की जब दूसरी लहर ही इतनी खतरनाक साबित हुई है तो तीसरी लहर में हमें पहले से ही ज्यादा सतर्कता बरतनी होगी। जैसा कि भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर में खतरनाक वेरिएंट ने सबसे अधिक तबाही मचाई है, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का यह कहना है कि देश में कोविड के इस वेरिएंट के पूरे स्ट्रेन को चिंता वाला वेरिएंट बताया था, लेकिन इसके बाद भारत सरकार ने अपनी आपत्ति भी काफी दर्ज कराई थी। मगर मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी का ये कहना है कि इसका बस सिर्फ एक ही स्ट्रेन चिंता का विषय है। WHO के अनुसार बड़े स्तर पर पब्लिक हेल्थ को लेकर B.1.617.2 वेरिएंट खतरा बना हुआ है, जबकि दूसरे स्ट्रेन से संक्रमण का प्रसार काफी कम है। कोरोना वायरस के भारत में पहली बार पाए गए स्वरूप B.1.617.1 और B.1.617.2 को अब कप्पा तथा डेल्टा के नाम से पहचाना है। मतलब समझिए आप, इन्हें अब दो तरह के नाम दे दिए गए हैं। बहरहाल, ऐसे में अभी भी COVID-19 देश के लिए खतरा बना हुआ है और हम सभी को काफी सावधानी और सतर्कता के साथ इस मुश्किल दौर का सामना करते हुए आगे बढ़ना होगा। पॉजिटिव सोच के साथ ये वक्त भी गुजर जाएगा। इस बड़ी खबर में बस इतना ही। तमाम देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए मरुधर बुलेटिन। नमस्कार।